तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और ये वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आज थ्योरिकल पार्ट के कि आखिर थ्योरी होती क्या है, मतलब एक्सेल वीवीए है क्या। तो समझ जाइए, पहले वीवीए के बारे में जानते हैं। वीवीए इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। याद रखिएगा ये वीवी स्टूडियो नहीं है, वीवी स्टूडियो या वीवी सिक्स जो होता है वो नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी एक स्टूडियो है जिसके जरिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। बट वीवीए की मदद से हम एक्सेल या एमएस ऑफिस में कुछ एडिशनल टूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम समझ लें कि वीवी एक फैक्ट्री है तो इसका प्रोडक्ट क्या है, तो वीवीए की मदद से हम माइक्रोज बनाते हैं। अब माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा काम है जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, इधर रिपीटेड जॉब एवरीडे एक सेम प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, तो आप उस प्रोसेस को कोड कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जस्ट क्लिक ऑन द माइक्रोज एंड योर रिपोर्ट विल बी क्रिएटेड विद इन द सेकेंड। लेकिन माइक्रोज का इस्तेमाल हम दो कंडीशन में करते हैं, रिपीटेड जॉब या लेंथी जॉब। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, एक मिनट, एक एग्जांपल मैं बना लेता हूं कि आखिर माइक्रोज का इस्तेमाल किस तरह के कामों के लिए किया जाता है। राइट, कहीं पे अगर डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके okay. मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? हाँ हाँ, क्योंकि आज तो इसी हमारे यहाँ का मौसम बिगड़ा हुआ है, काफी तेज आंधी तूफान और बारिश है, तो इसलिए पूछा मैं। अच्छा मान लीजिए मैंने हम यहाँ पे एक डेटा क्रिएट कर लिया। हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ नंबर। हाँ, थोड़ा सा डेटा हमने क्रिएट कर लिया। मेरे पास जो डेटा है ये डेटा अलग अलग शीट में है। अलग अलग शीट में है, बट मुझे क्या करना है, एक शीट में इसको क्रिएट करना है, कंपाइल करना है। कुछ लोग क्लेट कहते हैं, कुछ लोग कंपाइल कहते हैं। मतलब कि अगर मैनुअल बताऊं मैं आपको, तो मुझे हर दिन क्या करना होता है। अभी फिलहाल तो मेरे पास मान लीजिए कि 6 सीट है, बट मे बी मेरे आपके जो जो वर्किंग फाइल हुई उसमें 600 हो सकती है, 60 हो सकती है। तो एवरी टाइम आपको डेटा को कॉपी करना होता है और यहाँ डेटा शीट पर आपको जाना होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, डेट शीट लिख दिया, डेटा था, और फिर दूसरे शीट पे जाना होता है, फिर वापस डेटा को सिलेक्ट करना होता है, कॉपी करना होता है, इस डेटा शीट में आना होता है, और सबसे लास्ट में आके फिर वापस पेस्ट करना होता है। और इसी प्रोसीजर को बाकी सारे शीट को लिए अपनाया जाता है। अब मैनुअल हम इस तरह से मैनुअल करते हैं, इसमें बेसिकली दो चीज़ें प्रॉब्लम करती है। एक तो हमारा स्पीड, क्योंकि हमें मैनुअल करना पड़ता है और स्लो होता है और हमारा मैन पावर भी लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज एक्यूरेसी, इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि कोई एक सीट को मैं दो बार कॉपी पेस्ट कर दूं या किसी को कॉपी पेस्ट करूं ही ना, तो बाद में मुझे उसको टैली करना पड़ेगा क्या हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ऑटोमेशन का यूज हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑटोमेशन करने का पर्पस जो होता है दो ही होता है। पहली कि मेरा काम फास्ट हो, टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि काम ज़्यादा फास्ट हो, और दूसरा 100% एक्यूरेसी हो, क्योंकि कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है। तो इस केस के लिए हम सिंपल एक माइक्रो बनाएंगे। माइक्रो बनाने के लिए डेवलपर टाइप के अंदर विजुअल बेसिक पे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी माइक्रो लिखने के लिए हमें एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करना होता है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है, बस इसको लाने के लिए आपको डेवलपर टाइप की जरूरत पड़ेगी। आप सोचेंगे कि डेवलपर टाइप कहाँ से आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट होता नहीं है। आप एक्सेल में देखोगे तो उस एक्सेल में आपको नहीं मिलेगा।
तो डेवलपर टाइप के लिए आपको एक एक्सेल एप्लीकेशन के किसी भी फाइल के ऑप्शन पे वन टाइम जाना होगा और यहाँ कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे डेवलपर टैब आपको दिखेगा। अब इस डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपका यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब के अंदर में विजुअल बेसिक दिखेगा आपको। और मान लीजिए डेवलपर टैब की सिस्टम पे नहीं है, जैसे कि लास्ट क्लास जब आपने ज्वाइन किया तो आपने मुझे दिखाया था आपके सिस्टम पे नहीं था, तो मैंने बोला था प्रेस करने के लिए अल्ट एफ 11। क्या प्रेस करने के लिए बोला था? अल्ट एफ 11। तो अल्ट एफ 11 से भी इसको लाया जा सकता है। तो हमने एक यहाँ से इंसर्ट किया मॉड्यूल्स और इसमें हम देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है ये आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ कि आखिर माइक्रोज से हम करते क्या है, होता क्या, बेनिफिट क्या है, इसके अंदर जो कोड क्या लिखा जा रहा है उसको अभी आप इग्नोर कीजिए। कोड कंसेप्ट में सबको समझा दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं सिंपल से एक कुछ 4-5 लाइनों का कोड लिख रहा हूं और देखेंगे कि हमारा काम इजीली हो जाएगा। रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल और सेल डॉट एंटायर रो। बस ये हमने कुछ लाइन की कोड लिखी, कुछ मिनट का टाइम लगा। अब मैं इस माइक्रो को यहां से जाके ट्रिगर करता हूं, क्योंकि ये माइक्रोज है तो हमें इसको ट्रिगर करना पड़ेगा, कि रन करना पड़ेगा। तो माइक्रोज पे गया, माइक्रो को सिलेक्ट किया और यहां से हमने रन कर दिया। तो रन करते ही आप देखिए मेरा काम विथ इन सेकेंड में हो गया। फिलहाल तो 6 सीट था, अगर 600 भी होता तो कुछ सेकेंड लेता, लेस देन मिनट ही लेता और सारा डेटा यहाँ पे क्लियर कर देता। तो माइक्रो का यूज क्या होता है? आपका रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए, मतलब कि कोई ऐसा काम जिसको हम लोग इसको कह सकते हैं आम भाषा में कि ऑटो पायलट क्रिएट करते हैं हम, जैसे कि पायलट प्लेन को पायलट ऑटो मोड पे, ऑटो पायलट के मोड पे कर देता है तो कंप्यूटर उस प्लेन को फ्लाई करता है। तो सेम थिंग कि आपका रिपोर्ट, आपका जो काम है ये माइक्रोज मतलब कि सिस्टम कर देगा, इसलिए हम माइक्रोज बनाते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट होता है, वो होता है इवेंट माइक्रो, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में आपको बताया दिखाया था। इवेंट माइक्रो क्या होता है? देखिए जो हमने मान लीजिए जो कोड हमने अभी आपके सामने डिजाइन किया, इस कोड को ट्रिगर करना पड़ता है मुझे, मतलब कि जब मेरी जरूरत होगी उस समय मैं क्या करूंगा, डेवलपर के माइक्रो लिस्ट में जाऊंगा और इसको यहां से रन करूंगा। तो रन करने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को एवरी टाइम फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बट इवेंट माइक्रो क्या होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, जैसे कि मैं अगर फाइल को ओपन करूं, मैं फाइल को क्लोज करूं, मैं नया सीट ऐड करूं, मैं कहीं पे डबल क्लिक करूं या फिर मैं राइट क्लिक करूं या फिर कहीं पे क्लिक करूं, तो इसके लिए इवेंट माइक्रो यूज होता है। मतलब कि ये माइक्रो मेरे किसी इवेंट पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं सीट ऐड करूं तो मुझे सीट का नाम पूछे, मैं जो नाम डालूं उसी सीट को ऐड करें। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दिस वर्कबुक पे जाएंगे, यहां से लोकेशन वर्कबुक और यहां से एक्शन, मतलब कि इवेंट कौन सा होना चाहिए, तभी न्यू शीट। अब यहां पे हमने बोल दिया कि एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर नेम। इवेंट माइक्रो कहलाया कि आपका माइक्रो को आप रन नहीं करेंगे, जैसे मैं यहां पे क्लिक किया तो एक मिनट इसमें नहीं है, किसी और फाइल में था,
जैसे क्लिक किया मुझसे सीट का नाम पूछा। मैंने यहाँ पे मान लीजिए हमने T2 नाम का दे दिया, ओके किया, तो देखिए यहाँ पे T2 ही ऐड हुआ, इसका नाम T2 है हो गया। तो कहने मतलब जो हमने सीट ऐड करके उसको सीट रिनेम करने का जो कोड डाला, ये कोड कब रन करेगा? अब यहाँ पे तो मैं सिंपल कोड डाला, लेकिन हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, 10-20 लाइनों का, 50 लाइनों का, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको दिया कि ये जो कोड है, ये कोड कब परफॉर्म किया? जब मैंने सीट को इंसर्ट किया। सेम उसी तरह से मान लीजिए कि मैं कहीं पे क्लिक करूं और वो एरिया कलर्ड हो जाए। एक तो कलर, मैं कहीं पे क्लिक करूं और एरिया कलर हो जाए, तो बस उस लोकेशन पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे गया और यहां वर्कशीट और सिलेक्शन से मैं यहां पे दे देता हूं कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अभी आपको इस समझ में कोड समझ में नहीं आया होगा कि एक्टिव सेल क्या है, इंटीरियर क्या है, तो अभी इस कोड को समझने की जरूरत आपको नहीं। आप ये समझिए कि हम इवेंट मैक्रो का यूज कब करते हैं और कैसे होता है और क्या बेनिफिट है। इवेंट मैक्रो का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर मैक्रो को एक इवेंट पे ट्रिगर करना, और जब तक रन नहीं हुआ तब तक उसकी वो इवेंट परफॉर्म नहीं की जाएगी, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैंने बोला था सीट 4 पे ही चलेगा, सीट 2 पे नहीं गया, क्योंकि मैंने जो असाइन किया है वो सीट 4 पे असाइन किया है। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर एक्शन पे ही वो कोड रन होता है, वो इवेंट मैक्रो कहलाता है। दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शन जैसे कि आप वी लुकअप, एच लुकअप, सम, काउंट, ऐसे जो फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला है, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बना के आपको दिया है। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई फॉर्मूला बनाना हो, खुद के कुछ फॉर्मूले बनाना हो, तो उस केस में हम यहाँ पे फंक्शन कर सकते, फंक्शन का यूज करते हैं। अब फॉर्मूला क्या बनाना हो सकता है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, मैं कुछ डेटा इंटरनेट से कॉपी करना, श्रीनिवास जी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, डाउट तो नहीं है ना? यस, ना ना, इट्स गुड। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हेडफोन का यूज किया कीजिए, ओके, क्योंकि मेरी आवाज मुझे इको के आ रही है। ऐसा, अच्छा, इसलिए बोला। चलिए इसी की बात कर रहा था मैं। मान लीजिए कि हमने इस वेबसाइट लिस्ट को मैंने यहाँ से थोड़ा लिस्ट है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इस एग्जांपल फंक्शन को समझाने के लिए हम आपको एग्जांपल लेके आए हैं। अब मान लीजिए कि मेरा ये फॉर्म ए आपको ए है, मतलब कि फॉर्मूला है, और मैं चाहता हूं कि इसकी URL स्ट्रैक हो। URL क्या मतलब कि आप जैसे देख रहे हैं कि इस वेबसाइट का लिस्ट है, इसमें जैसे देखिए फ्री एट टाइम, अब .com है, .org क्या है, इंडिया लिस्ट क्या है, तो लेकिन इसके अंदर जो डला हुआ है वेबसाइट का एड्रेस हाइपरलिंक, वो मुझे चाहिए। तो मैनुअल मैं करूँगा तो राइट क्लिक करके मुझे एडिट हाइपरलिंक पे जाना पड़ेगा और यहां से इसको कॉपी करके और यहां रखना पड़ेगा। अभी चले कि 12-13 है, लेकिन अगर 300-400 हुआ तो 300-400 हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, या 3-4 लाख हुआ तो तब मुश्किल है, बहुत बड़ी जॉब हो जाएगी, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा 1-2 साल का। तो यहां पे मुझे इसकी URL को अलग करना है, इसके लिए मैं फंक्शन मतलब कि एक नया फॉर्मूला बना देता हूं। जी हाँ, याद रखिए कौन से फाइल पे बना रहा हूं मैं, ये मेरा बुक वन है, तो मैं विजुअल से भी क्लिक करता हूं तो यहां भी आपका बुक 3 आ गया, बुक 2, ये रहा बुक 1। इसका मॉड्यूल्स इंसर्ट करेंगे
और यहाँ पे हम जिस फाइल में हम का काम करना है उसी फाइल में मैक्रो बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने फाइल खुले रहते हैं सबका लिस्ट रहता है, तो पर्टिकुलर फाइल चूज करके मॉड्यूल्स इंसर्ट करके उसमें बनाना होता है। अब यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सब ये दूंगा, सब नहीं दूंगा, फंक्शन दूंगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ URL। और हर फॉर्मूले की एक इनपुट होती है, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, सम वगैरह देते हैं, तो एक रेंज इनपुट करते हैं ना। तो यहाँ भी आपको एक रेंज डिफाइन करना होगा कि एन एज ए रेंज। हमने बोला कि एक एन नाम का एक रेंज आएगा, बस यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन लिखना है कि URL इक्वल टू एन डॉट हाइपर लिंक, यहाँ पे हम देंगे 1.address, बस छोटा सा कोड लिखना है। अब देखिए इस सिस्टम में URL का फॉर्मूला बन गया एक नया, मतलब कि फॉर्मूला लिस्ट में एच लुकअप वी लुकअप के जैसे लिस्ट में आपको यहाँ पे URL आ गया। तो फंक्शन से हम URL ये बनाते हैं, फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ड्रैग कर दीजिए, हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो VBA में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन सिर्फ एक्सेल पे ही नहीं, हम VBA के यूज के लिए बनाते हैं। जैसे कि कोई कोड आप लिख रहे हैं, आपके कोड में भी फंक्शन यूज किया गया है, अब कोई कोड हम लिख रहे हैं, अब मुझे एक ही चीज को, मान लीजिए कि एक कैलकुलेशन है माइक्रो के, एक आप एक रिपोर्ट को ऑटोमेट कर रहे हैं, उसके लिए आपने बहुत सारे कोड को लिखा और आपको एक कैलकुलेशन जो है 5-7 जगह पर इस्तेमाल करना है, तो आप 5-7 जगह पे वो कैलकुलेशन का कोड आप डालेंगे तो माइक्रो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि उस कैलकुलेशन को फॉर्मूला बना देंगे और जहां मर्जी वहां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल पे भी और वीवीए पे भी। तो 5-7 जगह है, तो 5-7 जगह सिर्फ आपको एक लाइन फंक्शन लिखना पड़ेगा, इसलिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं, जो चौथा जो हमारा होता है यूजर फॉर्म, ये होता है इंटरफेस। मतलब कि जैसे आपने माइक्रोस पे क्लिक किया तो इस तरह का पॉपअप आया, ऐसे ही आपको एक्सेल में बहुत सारे जगहों पे पॉपअप दिखता है या डायलॉग बॉक्स दिखता है। इस तरह की डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इंसर्ट में आप देखेंगे तो ये आपका यूजर फॉर्म होता है। अब मैं इसको अगर यहाँ से प्ले करता हूं तो ये आपको यहाँ पे यूजर फॉर्म दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए यूजर फॉर्म यूज करते हैं। तो VBA के थ्रू हम माइक्रोस, इवेंट माइक्रोस, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म बनाते हैं। तो श्रीनिवास जी, क्लियर हो गया कि VBA के थ्रू आप बनाएंगे क्या? यस। कोई डाउट तो नहीं है? नो। अब इसी जान लीजिए, जो फंक्शन, जो माइक्रोस होता है वो हमेशा सबसे स्टार्ट होता है, पब्लिक सब या सब, राइट? जैसे आपने देखा यहां पे विजुअल बेसिक में हमने यहां पे सब कॉपी किया, तो सब फॉर सब्जेक्ट और कॉपी मतलब कि माइक्रो के नेम, और जब सब स्टार्ट हुआ तो यहां एंड स्टार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं माइक्रोज। सबसे हमेशा माइक्रो स्टार्ट होता है जिसको आपको रन करना पड़ता है। और इवेंट माइक्रो क्या होता है? तो इवेंट माइक्रो जो होता है वो जो होता है वो प्राइवेट सब से स्टार्ट होता है। जैसे यहां देखिए प्राइवेट सब, अगर प्राइवेट सब लगा है इसके मतलब वो इवेंट माइक्रो है। प्राइवेट सब के बाद आपका यहाँ पे लोकेशंस और वाईवेल दिया होगा, ठीक है? तो प्राइवेट सब से जो स्टार्ट हुआ वो हमारा इवेंट माइक्रो होता है। और दूसरी बात आती है फंक्शन, फंक्शन मतलब कि जो फंक्शन से स्टार्ट है वो फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला क्रिएट किया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि VBA के लिए क्रिएट करेगा, एक्सेल के लिए क्रिएट करेगा, दोनों के लिए। आपने फॉर्मूला बनाया तो आपके एक्सेल पे भी चलेगा और VBA पे भी चलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे अभी हम सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाया था ना, इसी की बात कर रहा हूं मैं। तो जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूला, जो हमने URL नाम का फॉर्मूला बनाया, उसको जरूरी नहीं है कि हम यहाँ एक्सेल पे रन करें, इसको VBA में भी, VBA कोड में भी, मैक्रो में इसको सपोर्ट ले सकते हैं, फंक्शन में भी सपोर्ट ले सकते हैं, हम इवेंट मैक्रो में इसको सपोर्ट ले सकते हैं, ये सब के लिए होता है। तो ये आपको पता चल गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो आप अपने आपकी जो कोड है उसमें आप ये समझ जाएंगे कि माइक्रोज कौन है और फंक्शन कौन है। यस ठीक है,
फंक्शन बनाया, जैसे कि आपका जो इफ कंडीशन में जो फंक्शन दिया हुआ था तो उसे इनपुट दिया हुआ, उस इनपुट से फंक्शन कैलकुलेशन करता है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, अब बात यहां पे एक चीज और जान लीजिए कि हम अपनी माइक्रो का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, हम कब यूज, मतलब कि जो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो वीवीए हमारा है उसका यूज हम कब करेंगे। तो इसके चार ये है, मतलब कि पैरामीटर्स हैं। पहला कि आप ऐसे काम के लिए माइक्रो यूज करेंगे जिसमें रिपीटेशन हो, मतलब कि जो काम आपको बार बार करना। अब मान लीजिए बॉस ने काम आपको दिया और वो काम एक ही बार का है, इन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे माइक्रो के लिए आप माइक्रो ना बना के मैनुअली करो, क्योंकि माइक्रो बनाने में टाइम लगता है, उसकी कोडिंग सीखनी करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें होता है, तो इग्नोर करें। दूसरी चीज कि आपके पास काम एक बार के लिए आया लेकिन लेंदी है, जैसे कि ये देखिए यूआरएल निकालने वाला जो काम लेके आया, तो ये मान लीजिए अगर ये 10,000 होता, काम एक ही बार का है लेकिन बहुत लेंदी है, तो हम माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। सिचुएशन, पहली सिचुएशन हो गई रिपीटेड जॉब और दूसरी सिचुएशन हो गई लेंदी जॉब। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो कब इस्तेमाल किया जाए, तो अब किसके लिए इस्तेमाल किया जाए, कब तो समझ में आ गया, किसके लिए। देखिए अगर आप अपने लिए माइक्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहीं भी इस्तेमाल करें, कैसे भी इस्तेमाल करें, लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे फाइल पे माइक्रो इस्तेमाल करने से बचें, माइक्रो यूज करने से बचें जिस फाइल को पब्लिकली शेयर करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रो सिक्योरिटी में आपका बाय डिफॉल्ट माइक्रो डिसेबल होता है। तो माइक्रो डिसेबल है मतलब कि अगर किसी को आपने भेजा तो अगर माइक्रो डिसेबल विथ नोटिफिकेशन हुआ तो उसको सिक्योरिटी वार्निंग का एक एरर देगा, एक पॉपअप देगा और बोलेगा अनेबल करने के लिए, और डिसेबल उन्होंने डिसेबल कर दिया तो कोई बात ही नहीं, तब तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ सो ही नहीं करेगा। तो आपको हर एक पर्सन को समझाना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि सभी लोग माइक्रो फैमिलर होंगे, जो गारंटी तो नहीं है। मान लीजिए आपने 100 लोगों को मेल किया, अब 100 के 100 लोग जो है उनको माइक्रो फैमिलर है, माइक्रो पहले से आता है, वीवीए पहले से आता है, इसकी गारंटी तो नहीं है। उसमें ऐसा हो सकता है कि 40-50 लोगों के पास माइक्रो का कुछ भी नॉलेज ना हो, तो उन सबको आपको गाइड करना पड़ेगा कॉल पे, मेल पे और बहुत से चैट पे कि भाई माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल कर दो। ये थोड़ा सा सिरदर्दी वाली बात हो जाती है। तो मेरा सजेशन है कि ऐसे फाइलों पे जब तक बहुत जरूरी ना हो कि भाई ये बिना माइक्रो का हो ही नहीं सकता, उस केस में ही हम माइक्रो इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा सजेशन है। क्या सर, मैं ठीक बोल रहा हूं ना श्रीनिवास? यस यस। प्रॉब्लम हो सकती है अगर इफ यू सेंड द 100 and 200 पीपल्स दिस माइक्रो एंड और एवरी पर्सन वी हैव नॉट फेमिलियर विद द माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो दैट एंड प्रॉब्लम। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। तो दो चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। आप सीखने जा रहे हैं तो क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। पहली चीज, आपको एक्सेल का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो एक्सेल की नॉलेज अच्छी है आपकी? यस। ओके, एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो यहां पर चीजें कर रहे हैं वो एक्सेल के फीचर को ही हम ट्रिगर कर रहे हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि करेंट रीजन क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, एंटायर रो क्या होता है, तभी आप माइक्रो को सही ढंग से समझ पाएंगे, वरना समझने में काफी दिक्कत होगी। दूसरी केस, आपके पास प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस नहीं होगा। एक्सेल एंड वीवीए जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स नीड द प्रैक्टिस। आप अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस से इस चीज को समझ सकते हैं। क्या श्रीनिवास जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? यस, यू आर राइट। ओके, ये चीज आप कर लीजिएगा। तो एक्सेल की नॉलेज आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कम है, तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो कि मैं हर
जो भी मेरे पास मेरे साथ जो वीवी के ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, ये 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है फास्ट ट्रैक में पूरा एक्सेल का, वो मैं सबको प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पब्लिकली मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है इसको, आप एक बार टाइम निकाल के देख लीजिएगा। अब मैं इसको पूरा देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि पहले से आपको पता होगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब इसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है सीमा जी, ओके जो पहले से जो चीज़ पहले से आपको पता है, मान लीजिए मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको आपको आता है तो ऐसा आगे बढ़ा लीजिए, जो टॉपिक नहीं आता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आपको एक्सेल वीवीएस सीखने लायक आपको चीज़ें आती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर ओके ली इट मीन्स मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीवीएस सीखने लायक एक्सेल पता है। ओके ओके अब हम बात करते हैं कि मैक्रो लिखने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट? सबसे पहला कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, और डेवलपर टैब कैसे लाना है मैंने समझा दिया है आपको। उसके बाद आप ओके अपने मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर ले, अनेबल ऑल मैक्रो, ये दो चीज आपको वन टाइम ही करना है, और आपने अगर कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, या किसी नए पीसी पे जब बैठिएगा तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके दूसरी चीज, जिस माइक्रो फाइल को आप सेव करते हैं तो सेव करते समय एक ध्यान आप रखिएगा हमेशा कि जो फाइल का टाइप है, जो आपका ये जो फाइल का टाइप है सेव एज टाइप, वो आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक होना चाहिए, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर गलती से भी आपने एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? कि एक्सेल वर्कबुक ये मैक्रो डिसेबल फाइल होती है, ये मैक्रो को कैरी नहीं करती है, तो आपके जितने भी फाइल में कोड होंगे, मैक्रोज होंगे, फंक्शंस होंगे, यूजर फॉर्म होंगे, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि आप घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे से माइक्रो को लिखते हैं, उसको बनाते हैं, रन करते हैं, खुश हो जाते हैं, और सेव करते समय जल्दीबाजी में आप उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर देते हैं, मतलब कि .xls फॉर्मेट में, जबकि सेव करना चाहिए था एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, मतलब कि .xls में। ऐसी गलती से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आप ऑप्शन पे जाएं, सेव पे जाएं, और अपना डिफॉल्ट फॉर्मेट माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही रख लें। इससे क्या हुआ कि आपके हर फाइल XLSM में, मतलब कि माइक्रो अनेबल फाइल में ही सेव होगा, मतलब कि माइक्रो अनेबल फाइल में अगर आपका डेटा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही होता है सब कुछ, पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं अपलोड करते समय, जैसे कि सेवर हो गया, एमएडीएस हो गया, सैप के भी कुछ ऐसे सैप फिको वगैरह है, उसमें दिक्कत होती है कहीं कहीं पे, गूगल गूगल शीट्स हो गए, एसक्यूएल सर्वर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में आप चेंज कर लीजिएगा सेव करते समय। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मैक्रो पे काम करते हैं, तो जैसे मैं दिन में हमारा हर दूसरा फाइल मैक्रो फाइल होती है, तो मैं हमेशा इसको रखता हूँ, बस एक ओपिनियन है कि आप इसको करके रखें। और जब भी किसी फाइल में मैक्रो टाइप करें तो पहले फाइल को सेव कर लें, राइट? उसके बाद आपको एल्गोरिदम लिखना सीखना होगा। एल्गोरिदम मतलब कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें एक एक टेबल यहां बनाना है, तो आप उसको नोट पैड पे ही एक पेंसिल से ही, ये शुरुआत में होगा या आप किसी और के लिए होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिख दिया कि स्टार्ट, मैंने लिख दिया कि सेलेक्ट A1, एंटर नेम, मतलब कि A1 पे जाएगा, क्लिक करेगा और नेम को लिखेगा, फिर B1 पे जाएगा और रोल नंबर लिखेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सेलेक्ट 1, एंटर,
रिसीवर पे जाएगा, क्लिक करेगा और मार्क्स लिखेगा यहाँ पे, सेलेक्ट वन, सेलेक्ट A1 से लेके C10, अप्लाई ऑल बॉर्डर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तो बोलेंगे सर इसमें इसको दे, हमें पता ही क्या करना। देखिए आप अपने लिए जो मैक्रो बनाएंगे तो उसके स्टेप्स आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के लिए, जैसे मान लीजिए आपने ही मुझे बोला कि मेरी इस फाइल को ऑटोमेट कर दीजिए, तो आपने मुझे बता दिया तो सारी चीज मेरे दिमाग में याद थोड़ी रहेगा। आप बताते जाएंगे, हम उसके स्टेप्स को लिखते जाएंगे, फिर उसको प्रोग्रामिंग करते समय हम उसको प्रोग्राम करेंगे। इसको बोला जाता है एल्गोरिथम, मतलब किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए कई स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है एनालिसिस, मतलब कि हम पहले उसको एनालाइज करते हैं कि आखिर है क्या है। फिर एल्गोरिथम, हम उसकी एल्गो तैयार करते हैं, फिर हम उसको कोड करते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं, फिर अगर कोई एरर आया तो हम उसको रिकोड करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। जब फाइनल आ जाता है देन उसको हम इंप्लीमेंट, मतलब कि अप्लाई करते हैं। ये मैक्रो के पहले एनालिसिस करना, मतलब कि उसका तरीका निकालना, देखना क्या करना है, कैसे करना है समझना, फिर उसकी एल्गोरिदम तैयार करना, फिर एल्गोरिदम के बिहाफ पे कोड को लिखना, फिर लिखे गए कोड को टेस्ट करना, अगर एरर आता है तो रिकोड करना और फिर वापस टेस्ट करना। जब तक टेस्ट पास ना हो जाए तब तक इसको अप्लाई नहीं करना है, मतलब कि फाइनल नहीं करना। ये थ्योरिकल पार्ट है, ये हमेशा करना चाहिए, सही रहता है सर। लेकिन जब आप खुद के लिए मैक्रो बनाते हैं तो ये सब चीजें हम अपने मन में ही कर लेते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट किसी थर्ड पर्सन के लिए करते हैं और थोड़ी छोटी मोटी है तो हमें समझ में आ जाती है, तो दिमाग में सब कुछ हो जाता है। अगर कोई बड़ी रिपोर्ट होती है तो वहां हमें करना पड़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि थोड़ा सा आपको स्टडी भी करना होगा इसमें। तो एक वेबसाइट है जो कि मैं अपने शुरुआती टाइम में जब मैं सीख रहा था 2006-07 में, तो एक वेबसाइट था excel-vva.com, 7 या 8 की बात है, मैं देखा था। ये वेबसाइट मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैं हर लोगों को रिकमेंड करता हूँ। इसमें बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा दिया गया है, अब ये नेसेसरी नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में देखने से अच्छा है, और न्यूज और टीवी सीरियल देखने से अच्छा है कि इसको एक बार स्टडी कर लो, इसके चैप्टर्स। वेबसाइट याद रहेगा या आप व्हाट्सएप कर दो? वेबसाइट जो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। तो आपको मैंने अभी जो दिया है होमवर्क, आपको सबसे पहला दिया है कि इस वीडियो को देखना है आपको, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आता है, जो जो टॉपिक नहीं आता उसको देखना है। उसके बाद टाइम बचे तो इस आर्टिकल को एक बार फॉलो कर लेना है, कल तो मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा, और ऐसे भी आज भी क्लास नहीं हो